everyone, how are you all? Hope you all are fine. This is Tanvi Sharma and welcome back to another video. काफी दिनों के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ आज फाइनली. लग रहा है वापस से मेरी ब्लॉगिंग चालू होगी. और मैंने अपने बालों का हुलिया ऐसा क्यों बनाया है ये आपको मेरे सेकंड चैनल से पता चलेगा. मैं वहाँ पे कुछ ट्राई कर रही थी इस वजह से तभी ये मेरे बालों का हुलिया इस टाइम पे ऐसा बना हुआ है. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो. और अब चलो करते दिन की शुरुआत. माता रानी का नाम लेके जय माता दी. और आज आपको मैं पूरा दिन दिखाने वाली हूँ अपना घर का माहौल अगेन फिर से काफ़ी दिनों के बाद. और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि ओरियो की याद आई है, दादी दिखाओ दादी दिखाओ. अभी दादी तो घर पर नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देती दादी आपको अभी, लेकिन अभी तो नहीं है वो घर पे. बट ओरियो को दिखाती हूँ. और मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी करना है, बस ये मैंने अपना हुलिया बना लिया था तो मैं पहले सोचा कि पहले ये वाली वीडियो कम्प्लीट करती हूँ उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ. और अभी मैं चल जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने. और चलो देखते हैं मेरे घर पर क्या चल रहा है. तो अभी मम्मा मेरे लिए शेक बना रहे हैं बनाना वाला भाई के लिए. आई आई मेरी दादी मेरे को बाजे मार रही है क्योंकि उन्होंने बाहर मंकी को खाना देना तो वो अरे आज देने चलते हैं. मैं जा रही हूँ देने. यार इस टाइम पे शायद मंकी होते नहीं है. अभी तो थे थोड़ा टाइम पहले जब दादी ब्रेड लेके आई तब गायब हो गए. और धूप भी काफ़ी है ना इस टाइम पर, थोड़ा छाँव छाँव में चले जाते हो. ड्यूटी लगी होती है इनकी. अच्छा अच्छा अरे पापा आ गए. पापा है पापा है. सबको दिखाती हूँ जब मम्मा कुत्तों को खाना खिलाते हैं या फिर दादी अभी बंदरों को खिलाने जा रहे थे बट बंदर नहीं थे. मैं इसलिए दिखाती हूँ ताकि मेरे को देख के क्या पता कोई और भी उनको खिलाना शुरू कर दे, क्योंकि खिलाना चाहिए ना. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस पर कि हमको बाहर के जो डॉग्स होते हैं उनको खाना खिलाना चाहिए क्योंकि हमारे सिवा उनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं होता. इस वजह से तो आप जितना उनको खिला सकते हो उनको खिलाया करो क्योंकि हमारे सिवा उनको कोई खिलाने वाला नहीं होता. जितना हम खिलाएंगे उतने का पेट भरेगा. सो हाँ तभी मैं दिखाती हूँ कि हाँ हम उनको खाना खिला ले ताकि मुझे देख के भी कोई और खिला ले. पापा आए और ओरियो मशहूर गया. इसके नाखून इतने तेज हो गए ना, बट मैं नाखून कटवा नहीं रही क्योंकि जितने मैं कटवाऊंगी ना उतने जल्दी ग्रो करेंगे तो अभी इतने ठीक है. और ये जब भी कोई बाहर से आता ना उसको नहीं छोड़ता ये ना. और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया यार, भूख लग रही है. मैं जा रही हूँ खाना खाने. खिलाली बंदर खाना खिला खिला. बंदर मिले बंदर मिले मैं हूँ ना मेरे को खिला तेरे को खिला. तो ये मम्मा बना रही है मेरे लिए परोठी. हाँ ये हमेशा हमारे घर पे खुद घी बनता है, बाहर से नहीं लेके आती है, मेरी मम्मी ने बनाया हुआ है. और मम्मा मेरी घर पे घी भी बनाती है दही भी बनाती है. हमारे घर में ना बाहर से दही आता ना घी आता, कभी कभी आ जाता है. और अगर दूध फट जाए तो पनीर भी मम्मी घर पे बना लेती है. और कलाड़ियाँ भी कभी कभी. कलाड़ियाँ पता आपको क्या होती है? ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा. चलो छोड़ो उसको अभी. मम्मी बना रही है मेरे लिए परोंठी और मुझे बड़ी ज़्यादा भूख लग रही है. ये टाइम आपको रोटी खिलाने का बच्चे को. ये देखो आज भी हमारे घर में आम आए हुए हैं. ये शेक बनाते हैं, मैं आम खाऊंगी. पर ये क्या है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है किया, बट ये खा लेती मैं. अरबी अरबी एक चालू है. हाँ ये भी अच्छी लगती है मेरे को, पर ये बिल्कुल भी नहीं. और ये तो जान है मेरी. आज मम्मा करेले बनाएगी. मैं ना बहुत लोगों को बोलते हो सुना कि उनको करेले नहीं पसंद खाना, कोड़े होते हैं ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरी मम्मी के हाथ के कभी करेले खा के देखना. मैं उनकी रेसिपी भी दूंगी फिर कभी, बट अभी उन्होंने तो फ्राई कर लिए. वो बिल्कुल भी कोड़े नहीं होते, इतने क्रिस्पी इतने टेस्टी होते हैं ना. तो करेले मेरे को भी पसंद है बहुत ज़्यादा, बट वो फिलिंग वाले सूखे तो बनाए नहीं मम्मी ने कभी. अभी बेचारी रोटी की खड़ी है, अभी बेचारी खड़े वाले. ये है मेरा आज का नाश्ता. ये रात की सब्जी पड़ी हुई थी और ये
और अभी मैं इंस्टा के लिए ना रील बना रही थी, इसलिए झुमके झुमके डाले हुए थे और अब खोने लगे यार इतनी गर्मी, ऊपर से मैंने साड़ी डाली हुई थी वो मैंने ऐसा होलिया बना लिया था, तो मैंने सोचा कि रील ही बना लेते हैं ऐसे। तो अगर आप मेरे को इंस्टा पर फॉलो नहीं करते हो तो जाओ जाके करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये है मेरी इंस्टा की आईडी और मैं खोलूँ यार, ये बड़े भारी लग रहे हैं। मैंने ना इसको एक स्टिक दी हुई है, इसकी वही खा रहा है अभी, फिर हम छत पे जाएंगे, है ना हरियो, छत पे जाएंगे ना। मैंने मेरे लिए काटे हैं क्योंकि मेरे को आम खाना पसंद है और वहाँ पे बन रहा है शेक मैंगो वाला। अभी दूध डालना, अच्छा अभी दूध डालना बस, बाकी कुछ चाय कौन सी दवाई मिला के दे रहा मेरे पापा को है। पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं कैमरे जाए कुछ पैसे करके चलिए, पर दवाई कोई नहीं मिला रहे थे मेरे पापा, शुगर फ्री वाली चाय पीते हैं ना तो वो शुगर फ्री मिला रहे थे और मैं खाने लगी। चलो चलो ऐसे अभी तो धूप है, मैं इस टाइम पे छत पे इसलिए आई और वो तंग कर रहा था कि चल तो मैं सोचा इसको ले आती हूँ इस टाइम पे। तो जब मेरे अचानक से कुछ दिक्कत चल रही थी तब मेरी फैमिली का रिएक्शन कैसा था ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, ये मैं करती हूँ कैसा था। उस टाइम तो गुनू घर पे नहीं थी तो उसको कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि मेरे साथ मतलब ऐसा कुछ हुआ हुआ है। तो भाई जिसको मेरी वीडियो में आना पसंद नहीं है उसने काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे सपोर्ट की थी कि कुछ नहीं है ऐसी ज़्यादा नहीं सोच ऐसा वैसा, बट मेरे को लग रहा था कि नहीं डिलीट हो जाएगा फिर मैं क्या करूँगी। फिर गुनू आ गई थी नेक्स्ट डे, उसी के नेक्स्ट डे गुनू आ गई थी घर पर और मैंने ऐसे ही बोला कि अब मैं नया चैनल बनाऊँगी। तो गुनू वो उस टाइम पर बोल रही थी कि नहीं यार क्यों नया चैनल बना रही है, तू मेरा चैनल रख ले, जबकि उसके चैनल में 17,000 समथिंग सब्सक्राइबर हैं। तो उसने बोला था कि तू मेरा चैनल रख ले मुझे क्या करना, वो तो यूट्यूब पे कुछ पोस्ट नहीं करती है इसलिए उसने बोला था। फिर मैंने सोचा नहीं यार चैनल बनाऊंगी तो मैं खुद का ही बनाऊंगी, तेरा लेके क्या करूंगी, उन लोगों ने तेरे को देखने के लिए सब्सक्राइब किया मेरे को देखने के लिए थोड़ी ना सब्सक्राइब किया जो मैं उसका चैनल ले लूँ, इसलिए मैंने नेहा भी चैनल बनाया था जो अब मैं किसी और चीज़ के लिए चलाऊँगी। और थैंकफुली मेरा चैनल वापस है मेरे पास और डालती है ऐसे पूछ रहे थे क्या हुआ तेरे चैनल को, मतलब अभी उनको इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है बट फिर भी वैसे पूछ डाल रहे के हुआ तेरे यूट्यूब की, वो यूट्यूब को यूट्यूब बोलते हैं ना, तो क्यूट लग रहे थे उस टाइम पर। मैं वीडियोज़ बनाने की बिल्कुल मूड में नहीं थी, नहीं तो आप सबको रिएक्शन बताती हूँ उनका, बट हाँ मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ। मम्मा पता क्या बोल रहे थे, देखो लोगों की नज़रें खा गई हैं, मतलब मम्मियों का तो यही होता ना कि हाँ मेरी बेटी को नज़र लग गई है, तो बस उनका रिएक्शन वैसा था कि हाँ किसी की नज़र लग गई है ये वो नहीं क्या, और मैंने उनको समझाया मम्मा ये नज़र नज़र कुछ नहीं होती है। और बीच में तो ऐसा भी होता है जानू घर पे आया था, मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक है बट मैं उसे हर बार मांगती थी और मना करता था, तो वो बीच में जब आया तो उसको दिखा मेरा मूड ख़राब हुआ तो उसने मुझे बोला था कि तनु चल बाइक चलाते हैं, और मैंने मना कर दिया था और वो शौक हो गया था कि मैंने कैसे मना कर दिया जबकि मैं कोई मौका नहीं छोड़ती बाइक चलाने का। तो उस टाइम पर वो शौक हो गया और सच्ची में मान गया कि हाँ मेरा मूड ख़राब है, तो वो ठीक करने की कोशिश भी कर रहा था, मतलब सबके रिएक्शन भी काफ़ी अच्छे थे प्यारे थे, काश मैं आपसे शेयर कर पाती हूँ। अभी तो मम्मा बोल रहे थे नानी घर जाना है तो आपको छोटुओं से मिलाऊंगी, यहाँ पे तो तीन छोटे छोटू हैं उनसे भी मिलाऊंगी। और वैसे अभी मैंने बहुत बोल दिया यार, एक तो मैं बोलते बोलते चुप ही नहीं होती। सभी चली मैं नीचे क्योंकि और देख रहा मुझे वहाँ से कि चल अब बड़ा टाइम हो गया, चलती हूँ नहीं जा रही हूँ नानी के घर पे, फिर कभी जाऊंगी तो आपको मिलाऊंगी इन छोटे छोटों से। और 27 को उसको 1 मंथ भी हो जाएगा, मतलब एक महीने का हो जाएगा। मैंने आपको उसकी वीडियोस भी दिखाई हुई है जब वो हुआ था तो मैं हॉस्पिटल में थी, और मेरे को उसका बर्थ डेट इसी वजह से याद है क्योंकि उस दिन मेरे को मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम मिली थी। तो मतलब वो इस दुनिया में आया और मेरे को पहली इनकम भी मिली थी उस दिन में, इसलिए मुझे उसका बर्थ डेट याद है। और बस अभी तो नहीं जा रही हूँ तो सोच रही हूँ कर देती हूँ एंड इस ब्लॉग को, चलो कर रही हूँ इस ब्लॉग को एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।